हाँ बेटा, हाँ, कैसा रहा आज का दिन आपका? आपने पढ़ाई की अच्छे से? अच्छा, तो 2 घंटे आपके गए व्हाट्सएप पे। ओके, और क्या किया? अच्छा, आप क्रिकेट खेलने चले गए थे दोस्तों के साथ। ओके ओके, बाप रे, टेलीग्राम पे आपने बहुत किया और यूट्यूब भी बहुत देखा। अच्छा, मेरे मोटिवेशनल वीडियो भी देखे। ओके, नहीं देखने चाहिए थे। ओके, सो कुल मिला के बेटा आपका दिन में कितना घंटा वेस्ट हो गया और कितना घंटा आपने पढ़ाई की? ओके, 6 घंटे आपने वेस्ट किए और 1 घंटे पढ़ाई की। बेटा क्या आपको नहीं लगता मतलब आप खुश हैं मतलब दिन के? अरे सर, मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आज मैंने वो किया जो मैं हमेशा से करना चाह रहा था। बहुत बढ़िया बेटा, आपके पिताजी का क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं? सर, वो एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। ओके, तो जब वो रात को वापस आते हैं तो क्या आप उनकी आंख में देख के आपको कुछ अजीब नहीं लगता? सर, वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत थके हुए हो जाते हैं, मतलब इतने थके रहते हैं ना कि हमको डर लगता है हमको उनसे बात करने में। तो आपको कभी ऐसा ही लगता कि आप उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकें? मतलब कुछ लगता नहीं बेटा? आपको ऐसा ही लगता कि आप अपनी जिंदगी, अपना टाइम, अपना वक्त, अपना समय इन चीजों में जाया कर रहे हो जिन चीजों का कोई आपके भविष्य में मूल्य नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने माता पिता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं बेटा? मैं नहीं खुश नहीं हूं बेटा आपके लिए। आप प्लीज बेटा, आप मेरे से बात मत कीजिए बेटा, बस हो गया, दुख है मुझे। हेलो बच्चों, कैसे हैं? सो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है, मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट से प्रेरित होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो मैंने थोड़ी देर पहले उससे पूछा कि बेटा आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है और सब कुछ अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो ना? मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के चलते अपना दिन खराब कर लेते हैं, और हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में तो बच्चों को एक बात नहीं समझ में आती कि एक दिन भी चीटिंग करने से, एक दिन भी पढ़ाई ना करने से, एक दिन भी कोचिंग क्लासेस बंक करने से, एक दिन लेक्चर ना देखने से, एक दिन दोस्त की शादी अटेंड करने से, एक दिन सिगरेट पी लेने से, एक दिन दारू पी लेने से, एक दिन किसी लड़की के पीछे भाग जाने से 2 मार्क नहीं आते एग्जाम में, और वो 2 मार्क के कारण 6 महीने हमारे बर्बाद हो जाते हैं। सो उस लड़की से मैंने कहा, मतलब उस मेरी प्यारी सी स्टूडेंट से मैंने पूछा कि बेटा बेटा आपकी पढ़ाई तो बेहतरीन चल रही होगी, आपको कभी ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाओ? बच्चों, उसका जवाब क्या था पता है? शी गेव मी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आंसर्स। उसने कहा कि सर, जब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, वेन एवर आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, सर मैं अपने पापा की आंखों में देख लेती हूँ सर, मतलब उन आंखों को, उन एफर्ट्स को देख के, और उनकी आंखों में जो मेरे लिए सपने हैं, उनका मेरे प्रति जो त्याग है, मेरी मेहनत के प्रति जो त्याग है सर, वो देख के मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ सर। मतलब डिस्ट्रैक्शन मुझे होता है, बट उन आंखों में, अपने माँ बाप की आंखों में झांकने के बाद सर, मेरी औकात नहीं रह जाती कि सर मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हूँ, क्योंकि मुझे पता है किन परिस्थितियों में गिर के वो मुझे पढ़ा रहे हैं। उन्होंने सर अपने सारे अच्छे अरमान त्याग दिए सर। मैं मानती हूँ कि जब मैं मूवीज में देखती हूँ, जो mid 40s और mid 50s के जो पेरेंट्स हैं सर, वो कितना एंजॉय करते हैं, बट मेरे माँ बाप की लाइफ में देर इज नथिंग, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। बस उन्होंने मेरे से ही बहुत सारी उम्मीदें, आकांक्षाएं की हैं कि मैं जिंदगी में मैं बड़ी होके कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करूं, और सर मेरा दिन और रात उनको डिवोटेड है सर। मैं 1 सेकंड भी अगर चीट करती हूँ तो सर मुझे उनके सपने जो हैं वो जीने नहीं देते सर। सर तो डिस्ट्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता सर। आई कीप ऑन स्टडिंग, आई कीप ऑन स्टडिंग, आई कीप ऑन स्टडिंग सर। तो बच्चों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और राह में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, प्लीज उन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकिए बच्चों। जस्ट यू हैव टू, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। यू हैव टू स्टडी, यू आर नॉट सपोज टू बी डिस्ट्रैक्टेड, एंड थर्ड इज यू हैव टू फॉलो द अबव टू रूल्स, दैट्स इट। सो प्लीज बच्चों, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप खराब करें लाइफ में, आप ऐसा कुछ करें जो आपको नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता की आंखों में झांक के देख लीजिए, और उसके बाद भी आपके अंदर अगर कोई लॉ चलती नहीं है ना, तो डूब मरिए बच्चों। नहीं है बच्चों, हमारा जीवन जो है ना वो जीने योग्य नहीं है बच्चों, अगर हम अपने माता पिता के कष्ट को, दर्द को ना समझ पाए बच्चों। अगर बच्चों मैंने कुछ कटु शब्द बोले हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ के। थैंक यू बच्चों।